लक्ष्मीत कोठारी है, मैं 9 साल का हूँ। MMBG के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में मैं ऋषभ प्रभु के बारे में बताने आया हूँ। ऋषभ प्रभु हमारे सबसे पहले तीर्थंकर थे और इस आर्य के सबसे फर्स्ट साधु भी थे। जब वे राजा थे, पहले एक वृक्ष था, उसका नाम था कल्प वृक्ष। हाँ, वो धीरे धीरे खत्म हो गया और फिर लोगों को कुछ काम ही नहीं पता था, क्या वो कैसे करें, कैसे खाए, कैसे कपड़े बनाए। ऋषभ प्रभु ने सब कुछ उनको सिखाया। फिर जब जो फार्मर्स थे, अनाज काट के रख देते थे और जो गाय थी वो अनाज खा लेती थी, और वे जाके ऋषभ प्रभु को बोलते, ऋषभ प्रभु देखिए ना, गाय हम लोग का जो हम लोग अनाज करते हैं सारा गाय खा लेती है। बोले, तुम एक काम करो कि गाय के मुंह पे छीकी बांध दो। फिर क्या हुआ, 1 घंटा हुआ 2 घंटा हुआ 5 घंटा हो गया, फिर भी गाय नहीं खा रही है। फिर 10 घंटा हो गया, 12 घंटा हो गया, ऑलमोस्ट 13 घंटा होने वाला था। फिर वो जो फार्मर्स थे, गाय के सामने खाना रख रहे, गाय खा ही नहीं रही है। वो ऋषभ प्रभु के पास गए, वे बोले, ऋषभ प्रभु देखिए ना, गाय खा ही नहीं रही है। वो बोले उनके जो मुंह में छींकी है वो तुमने हटाई? वो बोले, आपने तो उसकी विधि ही नहीं बताई थी। फिर ऋषभ प्रभु ने कहा, जल्दी से उस छींकी को खोलो, नहीं तो गाय नहीं खा पाएगी। फिर उनके आदेश पर सारे फार्मर्स ने छींकी को हटा दिया, फिर गाय खा ली। और जब वे साधु बने, उनका पाप ऑलमोस्ट 13 महीने तक उनको लगा, यानी उनको 13 महीने तक खाना नहीं मिला। और वो घूमते गए, कोई उनको हाथी दे रहा है, कोई घोड़ा दे रहा है। वो चलते चलते हस्तिनापुर पहुंचे, वहाँ पे उनका पड़पोता श्रेयांश कुमार रहता था। वो अपने विंडो में ऐसे बैठे हुए थे, वो देख ऐसे बाहर देख रहे थे। अचानक से उन्होंने ऋषभ प्रभु को देखा, फिर उनको अचानक से जाति स्मरण ज्ञान हो गया। वो बोले, ये तो मेरे परदादा है। फिर वे गए और वे बोले, हमारे यहाँ पे प्राशुकेशनी शुद्ध आहार है, आप आइए और आहार ग्रहण कीजिए। फिर श्रेयांश कुमार हर जगह जा रहे हैं, देख रहे कि वहाँ पे क्या है, कोई उनको ज्वेलरी दे रहा है, कोई और कुछ भी दे रहा है। फिर अचानक से उनको इक्षुरस दिखा, वो 108 घरे थे और वो किसानों ने उन्हें दिए थे। और फिर इक्षुरस से और ऋषभ प्रभु ने अंजलि बनाकर कर इक्षुरस को ग्रहण किया। और वह और अहो दानम कैसा दान था, ओम अरहम।